है ना, रूट्स में पानी डालते हैं।
यूज करके, है ना। और वो लीव्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कहाँ, किसकी हेल्प से जाता है? स्टेम की हेल्प से ही जाता है। तो इट ऑल्सो कैरीज फूड, फूड को कैरी करती है जो लीव्स के थ्रू बनाया जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टेम के थ्रू जाता है वो फूड, ठीक है। इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड, और प्लांट जो एक्स्ट्रा फूड बनाते हैं उसको भी स्टोर करके रखते हैं। तो स्टेम के फंक्शन क्या क्या है? पहला फंक्शन क्या है? कीप द प्लांट अपराइट, प्लांट को सीधा रखती है, एंड गिव सपोर्ट, और उसको सपोर्ट देती है, गिव सपोर्ट, ठीक है। दूसरा कैरी, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है कहाँ से? फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम रूट्स रहा है, ठीक है। ऑन विच एंड जिस पर, ऑन विच जिस पर
लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो करते हैं। पौधे का वह भाग जिससे क्या है अलग अलग शाखाएं निकल रही है और जिस पर फ्रूट्स लगते हैं लीव्स लगते हैं फ्लावर्स लगते हैं वो क्या है ब्रांचेस है। ठीक है तो ब्रांचेस क्या है दैट पार्ट ऑफ ट्री दैट पार्ट ऑफ ट्री दैट पार्ट ऑफ ट्री विच ग्रोज आउट विच ग्रोज आउट फ्रॉम द मेन स्टेम फ्रॉम द मेन स्टेम से जो पार्ट बाहर निकलता है। अब ये मेन स्टेम है इस मेन स्टेम से ये अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है तो पौधे का ये भाग एंड ऑन विच और जिस पर क्या है लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो और जिस पर लीव्स फ्रूट्स फ्लावर्स ग्रो करते हैं वो क्या कहलाती है ब्रांच कहलाती है। ठीक है तो आज हमने क्या देखा है स्टेम के फंक्शन देखे हैं और शूट का नेक्स्ट पार्ट ब्रांच देखा है। ठीक है इतना आपको रीड करना है कल नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।